अगर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में सरेंडर के लिए पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां पोर्न स्टार केस में उनके ऊपर 34 आरोप तय किए गए। इसी केस में सरेंडर करने के कोर्ट के आदेश के बाद ट्रंप न्यूयॉर्क पहुंचे थे, जहां की मैनहट्टन कोर्ट में पहुंचते ही पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट के बाहर ट्रंप के समर्थक और विरोधी दोनों बड़ी संख्या में मौजूद रहे और वहां उनके बीच टकराव भी देखने को मिला, जबकि कोर्ट में मौजूद ट्रंप के ऊपर 34 आरोप तय किए गए। ट्रंप पर लगाए गए सभी आरोप 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पॉर्न स्टार स्टॉमी डैनियल्स को चुप रहने के लिए पैसे देने से जुड़े। आरोप है कि उस वक्त ट्रंप ने स्टॉमी डैनियल्स को $1,30,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 करोड़ रुपए दिए थे, ताकि वो 2006 में ट्रंप के साथ बनाए गए यौन संबंधों पर कुछ न बोले। इसके साथ ही ट्रंप पर यह आरोप भी लगे कि उन्होंने 2016 में चुनावों में फायदे के लिए कई गलत जानकारियां दी। हालांकि कोर्ट में ट्रंप ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को नकार दिया और खुद को निर्दोष बताया, और ट्रंप का पक्ष सुनने के बाद मैनहट्टन कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तारीख तय कर दी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट से निकले और फिर उनका काफिला एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया, जहां उनका निजी विमान खड़ा था, और उसी विमान से ट्रंप न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गए। फ्लोरिडा में अपने घर पहुंचने के बाद ट्रंप ने वहां मौजूद समर्थकों को संबोधित किया। वहां ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। इंटरफेयर विद आवर इलेक्शंस बाय यूजिंग लॉ एनफोर्समेंट, वी कांट लेट दैट हैपन। ट्रंप ने आरोप लगाया कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गया है। वहीं ट्रंप के केस पर व्हाइट हाउस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप का केस बाइडेन के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इस बीच पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों ने ही पाकिस्तान की फौज का ऐसा मजाक उड़ाया कि पाकिस्तान की फौज की पूरी दुनिया में फजीहत हो गई। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में मौजूद तालिबान के संगठन TTP ने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है, और पाकिस्तान की फौज TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलों के सामने पूरी तरह लाचार दिख रही है। जुजलाट में पाकिस्तान की फौज ने TTP को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के इशारे पर चलने वाला संगठन बता दिया। TTP ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान की फौज की पूरी दुनिया के सामने फजीहत हो गई। TTP ने पाकिस्तान की सेना की दुखती रग छेड़ दी और कश्मीर याद दिला दिया। उसने साफ कहा कि पाकिस्तान की फौज पूरी तरह नाकाबिल है, जो कश्मीर का 1 इंच हासिल नहीं कर पाई, और इस बयान ने पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। पाकिस्तान की फौज के कई अफसर पिछले कुछ महीनों में तालिबान के हमलों में मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान की सरकार से दखल देने की मांग भी कर चुकी है, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहे। खबर है कि तालिबान ने साफ कर दिया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कोई आतंकी नहीं कर रहा। मतलब ये कि पाकिस्तान की फौज पर हो रहे हमलों को तालिबान ने पाकिस्तान का आंतरिक मसला कहकर पल्ला झाड़ लिया, इसलिए पाकिस्तान की सरकार और सेना पूरी तरह लाचार है। पाकिस्तान की टेंशन ये भी है कि तालिबान के हाथ अमेरिकी फौज के बेहद खतरनाक हथियार लग चुके हैं, जिनके दम पर पाकिस्तान में बैठे तालिबान हर रोज अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। इधर ब्रिटेन की सरकार ने चीन के सोशल मीडिया ऐप TikTok पर भारी जुर्माना लगाते हुए उसे बड़ा झटका दिया। TikTok पर यह कार्रवाई बच्चों के डेटा के गलत इस्तेमाल करने के मामले में की गई, जिसके तहत ब्रिटेन ने चीन के सोशल मीडिया ऐप TikTok पर 13 मिलियन पाउंड यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 130 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा ब्रिटेन ने जुर्माना लगाते हुए TikTok को बच्चों के लिए असुरक्षित ऐप भी बताया और उसे अपने नियमों को सुधारने की नसीहत दी।